हेलो एवरीवन, तो आज हम एक इंडियन फेस्टिव मेकअप लुक क्रिएट करने वाले हैं। एंड इस तरह का इंडियन मेकअप लुक किसी भी फेस्टिवल में बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आप इंडियन वेडिंग्स में भी इस लुक को क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने स्किन को प्रेप कर लिया है एंड उसके बाद NYB की प्रो स्ट्रोक क्रीम अप्लाई करेंगे। ये न्यू लॉन्च स्ट्रोक क्रीम है, इससे आपका मेकअप ग्लोई एंड ड्यूई लगेगा। एंड इसमें एक ही शेड अवेलेबल है। एंड उसके बाद मैं इनसाइड के थ्रू स्किन सीरम फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। ये सीरम फाउंडेशन है, स्किन लाइक फिनिश देता है एंड नेचुरल कवरेज देता है। आप इसको डेली मेकअप में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फाउंडेशन को मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का कवर एंड हाइट कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। स्विस ब्यूटी के कंसीलर बहुत ही अच्छे होते हैं एंड ये स्विस ब्यूटी का न्यू वाला कंसीलर है एंड इसकी कवरेज भी बहुत ही अच्छी है। इसको मैं अंडर आइज पर अप्लाई कर रही हूँ, ब्रिज ऑफ द नोज पर अप्लाई कर रही हूँ एंड हाइलाइटिंग के लिए मैं इस कंसीलर को यूज़ कर रही हूँ। एंड आई लिड पे भी अप्लाई कर लूँगी आई शेडो बेस के लिए। इसको मैं ब्यूटी ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। एंड कंसीलर को अप्लाई करने के बाद मैं मेकअप फिक्सर अप्लाई कर रही हूँ। ये स्विस ब्यूटी का क्रेज मेकअप फिक्सर है। एंड फेस को सेट करने के लिए मैं इनसाइड का प्राइम एंड फिक्स लूज पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ये वाइट कलर में है एंड बेकिंग के लिए मैं यही लूज पाउडर यूज़ करती हूँ। इसको मैं पफ की हेल्प से अंडर आइज पे इस तरह से बेकिंग करूँगी। एंड एक्सेस पाउडर को मैंने डस्ट ऑफ कर दिया है। उसके बाद मैंने आईब्रोज को फिल कर लिया। इसके लिए मैंने मार्स का आईब्रो पैलेट यूज़ किया है एंड कोई भी नया वाला आईब्रो पैलेट मेरे पास नहीं था। उसके बाद मैं आई शेडो के लिए काजल को अपने आईलेट के आउटर कॉर्नर पर अप्लाई करूँगी। रफली आपको अप्लाई करना है। उसके बाद मैंने ब्रश से इसको लाइटली ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद मैं एक डार्क ब्राउन शेड ले रही हूँ स्विस ब्यूटी के न्यू आई शेडो पैलेट में से एंड उसको मैं ब्लैक काजल जो हमने अप्लाई किया है उसको ब्लेंड करेंगे। फिर मैंने लाइट ब्राउन शेड लिया है, उसको हम डार्क ब्राउन शेड को उससे मर्ज कर देंगे। एंड उसके बाद मैंने एक ग्लिटर पैलेट लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल ग्लिटर पैलेट है। इसमें बहुत सारे ग्लिटर आपको मिल जाएंगे। इसमें से मैंने एक ब्लू सिल्वर काइंड ऑफ ग्लिटर अप्लाई किया। उसके बाद मैंने आईलाइनर एंड वाइट काजल अप्लाई कर लिया है एंड मस्कारा एंड आईलाइनर से मैंने आई मेकअप को कम्प्लीट किया। उसके बाद मैंने स्विस ब्यूटी का न्यू चीकाबू फेस पैलेट यूज़ किया है, उससे मैं कॉन्टोर करूँगी अपने फेस को एंड नोज़ को। एंड सेम पैलेट में से मैं ब्लश अप्लाई करूँगी, तो ब्लश अप्लाई करने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करना है, ब्लश को भर भर के अप्लाई करना है। इसी पैलेट में से मैंने हाइलाइटर भी अप्लाई कर लिया है। एंड लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी की न्यूली लॉन्च होल्ड मी मैट लिपस्टिक एंड इसमें से मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रेड शेड यूज़ किया है। इसी से मैंने लिप्स को लाइन कर लिया एंड फिल कर लिया है। तो मैंने एक कुर्ता सेट डाला हुआ है एंड उससे मैच करते हुए मैंने एक झुमका भी डाला है एंड बिंदी के साथ मैंने इस लुक को कंप्लीट किया है, क्योंकि बिंदी के बिना कोई भी इंडियन मेकअप लुक कंप्लीट नहीं हो सकता। तो इस लुक में मैंने न्यू लॉन्च मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं एंड ऐसे प्रोडक्ट यूज़ किए हैं जो मैंने रिसेंटली बाय किए हैं। तो सबका मैं परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। एंड दुर्गा पूजा नवरात्रि आने वाले हैं, काफ़ी